गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं सेकेंडरी मार्केट, उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ प्राइसेस की जो हम बात कर रहे हैं, हम किसके प्राइसेस की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्राइसेस की जो सिक्योरिटीज स्टॉक मार्केट पर ट्रेड हो रहे हैं उसके प्राइसेस की। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइसेस ऑफ शेयर्स जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं उन उसको इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक चीज जो बात समझने वाली है, जो हम ये सारे पॉइंट्स करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं शेयर के प्राइसेस को ऑन स्टॉक एक्सचेंज, वो ये कि जो भी प्राइसेस होते हैं, जो प्राइस प्रिवेल करते हैं स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स के, वो डिमांड एंड सप्लाई जो फोर्सेस हैं उसके बेसिस पर होते हैं। तो डिमांड और सप्लाई को जो चीज़ें इफेक्ट करेंगी शेयर के, वही सारे फैक्टर्स होंगे। तो सबसे पहला हमारा जो चीज़ है, दैट इज़ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दी कंपनी। जो प्राइजेस हैं शेयर के, वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन से किस तरीके से इफेक्ट हो रहे हैं। अगर कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है अच्छी है, उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स का मतलब है कि उसने प्रॉफिट दिखाया है, डिविडेंड अच्छा है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, तो जो गुड फाइनेंशियल रिजल्ट्स अगर उसने दिखाए हैं तो जो प्राइस है सिक्योरिटीज का वो इंक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ जो सिक्योरिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा मार्केट में। जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो भी मार्केट प्राइस को इफेक्ट करेगा। अगर कंपनी हायर डिविडेंड दे रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे उस कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए, मतलब जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाएगी और उसकी वजह से जो आपके मार्केट रेट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती है या लोअर रेट ऑफ डिविडेंड पे कर रही है, तो शेयर होल्डर्स क्या करना चाहेंगे, जो भी उनके पास शेयर्स हैं उनको सेल करना चाहेंगे, तो जो प्राइजेस हैं शेयर्स की वो कम हो जाएंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है, दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन। डिमांड एंड सप्लाई किसी पर्टिकुलर शेयर के डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है जो भी रेट सिक्योरिटी का प्रिवेल करेगा स्टॉक एक्सचेंज पे। अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो मार्केट रेट इंक्रीज होगा, और अगर डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइजेस सिक्योरिटी के डिक्लाइन होंगे। नेक्स्ट जो है, दैट इज़ रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं प्राइसेस सिक्योरिटीज के स्टॉक एक्सचेंज पे। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो बल्क क्वांटिटी में जो सिक्योरिटीज़ हैं कंपनी की उसे खरीदते हैं। जब वो परचेज कर रहे हैं सिक्योरिटी, परचेज कर रहे हैं तो जो सप्लाई है शेयर्स की मार्केट में वो कम हो जाएगी, तो प्राइस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जबकि उसके कॉन्ट्रेरी अगर वो सेल करना शुरू कर देंगे तो सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी और जो प्राइजेस है वो डिक्लाइन करेंगे। नेक्स्ट इज योर स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज। जो मार्केट प्राइस है वो स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज जो ऑपरेटर्स और जो इन्वेस्टर्स कर रहे हैं उससे भी इफेक्ट होता है। ऑपरेटर्स और इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं, वो आर्टिफिशियल स्केयरसिटी दिखा सकते हैं किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ की, उसे परचेज करके एकदम से इकट्ठे सारे शेयर्स परचेज कर लिया और उसे अपने कंट्रोल में रख लिया उन्होंने। तो वंस उन्होंने जब उसे कंट्रोल में रख लिया तो जो डिमांड एंड सप्लाई है शेयर्स की वो कंट्रोल हो गई, और उसके बाद वो स्टार्ट कर लेते हैं डिक्टेट करना कि क्या प्राइस मार्केट में प्रिवेल करेगा। जैसे हर्षद मेहता का जो स्कैम है, बहुत फेमस है इस चीज़ के लिए, वो इसी का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट जो हमारा है, दैट इज़ गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी भी इन्फ्लुएंस करती है प्राइजेस स्टॉक एक्सचेंज पे। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी फेवरेबल पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है तो मार्केट इंक्रीज करेगी, मतलब जो प्राइसेस हैं शेयर्स के वो इंक्रीज करेंगे। लेकिन अगर जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो फेवरेबल नहीं है तो जो मार्केट है वो डाउन जाएगी, जो प्राइसेस हैं शेयर्स के वो डाउन जाएंगे। जैसे सपोज इसका रिसेंट एग्जाम्पल हम देखें तो एग्जम्पशन डिविडेंड की टैक्स लायबिलिटी में ऑफ द इन्वेस्टर में जो गवर्नमेंट ने किया। नेक्स्ट इज योर इंटरेस्ट रेट। जो प्रिवेल कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट कंट्री में वो भी इफेक्ट करते हैं प्राइसेस ऑफ शेयर्स के। अगर हाई इंटरेस्ट रेट होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा जो पैसा है किस तरफ, मनी मार्केट की तरफ। जो प्राइसेस है कैपिटल मार्केट में वो कम हो जाएंगे क्योंकि लो डिमांड होगी सिक्योरिटीज की। ऑन द अदर हैंड अगर लोअर इंटरेस्ट रेट है
तो जो मनी का फ्लो है वो इंक्रीज होगा कैपिटल मार्केट में. उल्टा वही, अगर जो लोअर इंटरेस्ट रेट है तो लोग मनी मार्केट में पैसा नहीं लगाएंगे, वो कैपिटल मार्केट में पैसा लगाएंगे. तो जो फ्लो ऑफ मनी है कैपिटल मार्केट में वो इंक्रीज हो जाएगा. तो ड्यू टू इंक्रीज सोर्सेज ऑफ मनी जो डिमांड होगी सिक्योरिटीज की वो इंक्रीज होगी, और उसकी वजह से जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे. नेक्स्ट इज योर ट्रेड साइकिल. ट्रेड साइकिल भी कैपिटल मार्केट में ऑपरेट करती है. वेरियस स्टेजेस हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं शेयर प्राइजेस को, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज की होती हैं और ट्रेड साइकिल की, बूम पीरियड, रिसेशन पीरियड, फिर डिप्रेशन पीरियड, रिसेशन के बाद फिर आपका रिकवरी पीरियड हो गया, डिप्रेशन हो गया, फिर रिकवरी पीरियड हो गया, फिर बूम पीरियड हो गया. तो वही चीज़ कैपिटल मार्केट में भी फॉलो करती है. तो वेरियस स्टेजेस हैं जो इन्फ्लुएंस करती है शेयर प्राइजेस को, जैसे इंडस्ट्रीज को करती है. अगर इंक्रीज इन प्राइजेस आपको देखने को मिलेगा जब बूम पीरियड होगा, डिप्रेशन होगा तो ग्रोथ कम है तो प्राइजेस भी शेयर्स के कम होंगे. तो जो ट्रेड साइकिल की स्टेजेस है कैपिटल मार्केट में, बूम पीरियड को बुल स्टेज कहा जाता है और डिप्रेशन पीरियड को बियर स्टेज कहा जाता है. तो ये थे हमारे फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं सिक्योरिटीज़ के प्राइजेस, प्राइजेस ऑफ शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ स्पेक्युलेटर. फोर टाइप्स ऑफ स्पेक्युलेटर्स हम इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पर देखते हैं. वो है बुल, बियर, स्टैग एंड लैम, डक. तो जो ये नेम्स हैं, ये जो एनिमल के नेम्स हैं, ये सारे जो नेचर और वर्किंग है स्पेक्युलेटर्स की वो उसी के बेसिस पे बनाई गई हैं. तो सबसे पहला है बुल. बुल क्या करता है? बुल किसको कहते हो आप? सांड को कहते हो. तो सांड जब अपने दुश्मन को मारता है, एनिमी पर अटैक करता है, तो वो कैसे अटैक करता है? वो उसके ऊपर उछाल के फेंकता है. ये जो नेम्स दिए गए हैं यहाँ पे हमें टाइप ऑफ सिक्योरिटीज को, ये बेसिकली जो भी उस एनिमल का अटैकिंग पोस्चर होता है, अटैकिंग स्ट्रैटेजी होती है, उसके बेसिस पे इनके नेम्स बने हुए हैं. जैसे बुल है वो क्या करता है? तेजी से उठा के फेंकता है अपने जो एनिमी होता है उसको. तो जो बुल है उसी के उसको तेजी वाला भी कहा जाता है. ये वो ऑपरेटर होता है, मतलब ये वो पर्सन होता है जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो प्राइजेस हैं सिक्योरिटीज के फ्यूचर में वो इंक्रीज होंगे. तो ये सोचकर कि प्राइसेस फ्यूचर में सिक्योरिटीज के इंक्रीज होंगे, वो अभी एट प्रेजेंट में वो सिक्योरिटीज को परचेज करता है. और ये सोच के कि जब प्राइसेस फ्यूचर में इंक्रीज होंगे तो वो उसे हायर रेट पर सेल कर देगा. उसका कोई भी मकसद, कोई भी मोटिव, इंटेंशन नहीं होती है जो शेयर्स हैं उसकी डिलीवरी लेने की. वो सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है प्राइसेस का उससे प्रॉफिट कमाना चाहता है. तो ये जो बिहेवियर है वो मैच करता है एक बुल से. जैसे वो उसे उठा के मार फेंक के मारता है जो बुल होता है अपने एनिमी को, तो उसी तरीके से यहाँ है कि प्राइसेस आप फ्यूचर में क्या कर रहे हो? उछाल उसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, इंक्रीज उसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो. नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज बियर. बियर जो होता है वो अपने जो उसकी अटैकिंग स्ट्रैटेजी होती है वो क्या करता है? अपने दुश्मन को नीचे दबाता है, नीचे उसको फेंकता है. तो इसी तरीके से जो बियर है कैपिटल मार्केट में वो एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में जो सिक्योरिटीज हैं उसके प्राइसेस जो हैं वो कम होंगे. और इस टाइप के जो बियर होता है उस टाइप के स्पेक्युलेटर्स को मंदी वाला कहा जाता है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में जो प्राइसेस होंगे सिक्योरिटीज के वो कम होंगे. तो कम होंगे सोचकर वो एट प्रेजेंट क्या करेगा? वो करंट प्राइसेस पे अपनी सिक्योरिटीज को सेल करना शुरू कर देगा, ताकि फ्यूचर में वो उन्हीं सिक्योरिटीज को कम प्राइस पर खरीद सके. तो इस तरीके से वो जो प्रॉफिट है अर्न करता है. और इसकी भी इंटेंशन कोई नहीं होती है. जो स्पेक्युलेटर्स हैं, हमने जब चैप्टर स्टार्टिंग में पढ़ा था, हमने वहाँ चीज़ की थी कि दो मोटिव्स होते हैं. एक है आपका जो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए आते हैं स्पेक्युलेटर्स, और एक जेन्युइन इन्वेस्टर्स होते हैं. जो जेन्युइन इन्वेस्टर्स होते हैं वो सिक्योरिटीज की डिलीवरी लेते हैं और देते हैं, जबकि जो स्पेक्युलेटर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो प्राइजेस के बीच का डिफरेंस है उससे प्रॉफिट कमाते हैं. तो यहाँ पे एक चीज और जो टर्म यूज होती है दैट इज शॉर्ट सेलिंग. यहाँ पे क्या होता है?
वो स्पेक्युलेटर, वो सिर्फ स्पेक्युलेटर है, इन्वेस्टर नहीं है जो बियर है, तो उसका पर्पस डिलीवरी लेना शेयर की नहीं है। तो जो बियर सेल कर रहा है सिक्योरिटीज को विदाउट ओनिंग देम, मतलब उसके पास अभी सिक्योरिटी नहीं है लेकिन उसने उसे बेचना शुरू कर दिया है, तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। अब इसमें एक चीज और होती है कि इन केस अगर जो प्राइसेस नीचे नहीं आते हैं एज पर हिज एक्सपेक्टेशन, कि वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है बियर कि फ्यूचर में प्राइसेस नीचे होंगे, लेकिन उसके एक्सपेक्टेशन के अगर के अकॉर्डिंग अगर प्राइसेस नीचे नहीं आते हैं, वो नेगेटिव रूमर्स मार्केट में फैलाना शुरू कर देता है प्राइसेस को नीचे लाने के लिए। और जब जो मार्केट के जो प्राइसेस हैं वो नीचे आते हैं तो उसे हम बियरिश मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ स्पेक्यूलेटर है दैट इज स्टैग। स्टैग जो बारहसिंगा जिसे आप कहते हो, उसका नेचर क्या होता है? घबराने वाला, आ, आ, आप कहो उसका नेचर होता है जो डरपोक होता है वैसा उसका नेचर होता है। तो वो हमेशा कॉशियसली और सेफली जो है वो मूव करता है। तो उसी तरीके से वो स्पेक्युलेटर जो स्टैग स्पेक्युलेटर होता है वो कॉशियस रहता है काफी स्टॉक एक्सचेंज में। वो अपने आप को सेलिंग में इन्वॉल्व नहीं करता, परचेजिंग में इन्वॉल्व नहीं करता है सिक्योरिटीज के, जैसे बुल और बियर करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जो नए शेयर्स निकलते हैं उनको खरीदता है, उनके लिए अप्लाई करता है, और उनको जब अलॉटमेंट उसे मिल जाती है उसकी तो उसे वो उसे प्रीमियम पर बेच देता है। वो सिर्फ शेयर्स को सेल करता है, कब करता है? जब उसे एक बार अप्लाई कर दिया उसने, जब उसे सिक्योरिटीज अलॉट होने वाली है उस टाइम पे वो शेयर्स को एट अ प्रीमियम सेल कर देता है। तो लास्ट नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई करता है ताकि उसे कुछ ना कुछ जो नंबर है शेयर्स का वो मिल जाए अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो। नेक्स्ट इज योर लैम्प डक, लंगड़ी बत्तख जिसे आप कह सकते हैं। ये सेकेंड फॉर्म है बियर का। जब एक बियर अनेबल होता है, मतलब फुलफिल नहीं कर पा रहा है अपनी जो उसने कमिटमेंट की थी कि फ्यूचर में जो प्राइसेस नीचे चले जाएंगे, और वो बिना उन्हें ओन किए उसे सेल करना शुरू कर देता है, शॉर्ट सेलिंग जो हम कह रहे थे। तो जब एक बियर अनेबल होता है या डिफिकल्टी फील करता है उसकी कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए, तो उसे स्ट्रगल करता है वो, कैसे? जैसे लेम डक करती है। तो इसीलिए ये हम सेकंड फॉर्म ऑफ बियर लेम डक को कह रहे हैं। जब बियर सेल करता है सिक्योरिटीज को करंट लेवल पर ताकि फ्यूचर में वो लोअर लेवल पर उन सिक्योरिटी, लेवल का मतलब प्राइस है यहाँ पे, लोअर लेवल पर उसे परचेज कर सके। तो कई बार ये होता है कि जो प्राइसेस हैं वो उतने नीचे नहीं जाते, तो उस सिचुएशन में उसे सिक्योरिटीज मार्केट से नहीं मिलती है, और जो बायर है वो रिफ्यूज करता है ट्रांजेक्शन को आगे बढ़ाने से, कैरी फॉरवर्ड करने से। तो वो जो सिचुएशन होगी उस टाइप के स्पेक्युलेटर को लेम डक कहा जाएगा। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ स्पेक्युलेटर का टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे दिया गया है प्रोविजंस रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज, ये आपको नहीं करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा इस चैप्टर में है दैट इज लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज आता है हमारा, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ये जो टॉपिक है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।